देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी माता सरस्वती देवी को विनम्र वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्ते। गणिनी आरिका माता जी, शेष आरिका माता जी को वंदन। अलक शुल्लक महाराजों को और शुल्लिका माता जी को इच्छा कर प्रतीक्षा। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। एकत्व का चिंतन करने की बात करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि मेरा जो अंतस्तत्व है वह योगींद्र गोचर अर्थात सर्वज्ञ केवली भगवान का विषय है। मति और श्रुत ज्ञान से तो अपन भगवान की वाणी को ही समझकर आत्मा की पहचान करते हैं। आत्मा को साक्षात जानने वाले तो सर्वज्ञ देव ही हैं। और मेरे उस अंतस तत्व से भिन्न जो कुछ भी है वो तो सब संयोग से प्राप्त हुए हैं। जैसे हल्दी में चूना मिला दो तो वो रोली बन जाती है, उसका रंग कुछ लाल गुलाबी सा होता है। वैसे चेतन और अचेतन के मिश्रण से ये राग द्वेष मोह सारे विभाव सारे विकार उत्पन्न हुए हैं। पर वो जो अंतस तत्व है अंतस स्वरूप है ये कह सकते हैं कि अपने अंतरंग में वो वैभव वो क्षमता वो शक्ति दबी हुई है जो यदि उद्घाटित हो जाए यदि प्रकट हो जाए तो अपन इस संसार के दलदल से निकलकर जो सर्वोत्तम वैभव है मोक्ष वहां विराजमान हो जाए। माया जाल बहुत विकट तो उसी से निकलने के लिए आचार्य महाराज भिन्न भिन्न प्रकार से मार्गदर्शन दे रहे। देखिए क्या कहते हैं, दुख संदोह भागित्व संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। हे आत्मन, तेरे भीतर से ये ध्वनि ये संकल्प ये प्राण ये निश्चय अपेक्षित है कि दुख समूह का भागी तभी बना जा सकता है जब इस जगत में संसारी प्राणी संयोग बना ले। संयोग के कारण ही इस जगत में देही नाम संसारी प्राणियों के लिए दुख समूह की भागीदारी हाथ लगती है। तथा इसलिए एनं सर्वं संयोगम, इस सारे के सारे संयोग को मनोवाक्काय कर्म भी त्यजामि, मैं मन से छोड़ता हूं, वचनों की प्रवृत्ति से भी संयोग को छोड़ता हूं और शरीर से भी संयोग को मैं त्यागता हूं। राग त्याग को रोकता है और त्याग राग को रोकता है। ये अपना निर्णय है
कि अपन क्या चाहते हैं। और जब संयोग से दृष्टि हट गई, पंडित जगनमोहन लाल जी कहते थे, कि जो दिख रहा है उसको अदृश्य बनाकर, जो नहीं दिख रहा है उसको देखने की कला अध्यात्म है। दृश्यमान को ओझल करके अदृश्य को दृश्यमान करने की कला का नाम अध्यात्म है, यानी अंतर दृष्टि की बात है। जब सब कुछ हट गया, कुछ नहीं बचा, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बचा तो जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो भी नहीं बचा, ऐसा नहीं है। केवल वही रह गया, बाकी जिसको छोड़ना था सब छूट गया। तो तब क्या स्थिति होती है? नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोहं न युवे तानि पुद्गले। जब उस अंतस तत्व पर दृष्टिपात करते हैं और अपने जीव द्रव्य के अस्तित्व पर विचार करते हैं, तब समझ में आता है कि मैं तो न उत्पन्न हुआ हूं और न ही मैं कभी मिट सकता हूं। उत्पत्ति और विनाश अवस्थाओं में है, लेकिन जो मेरा द्रव्य, मेरा चेतन है, जो मेरा जीव है, वह उत्पत्ति और विनाश से रहित है। न तो उसका कोई प्रारंभ है, न उसकी कोई समाप्ति है। तो नमे मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है। जीवन का प्रारंभ भी होता है, अंत भी होता है, लेकिन जीव का न ही प्रारंभ होता है न अंत होता है। इसलिए ये विचार आता है, नमे मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है। कुतो भीति, फिर डर किससे? जब मरण ही नहीं है मेरा, तो फिर डर किससे? नमे व्याधि कुतो व्यथा, मुझे कोई व्याधि ही नहीं है। व्याधि शारीरिक पीड़ा को कहते हैं। मुझे कोई व्याधि ही नहीं है तो व्यथा कैसी? व्यथा किस कारण से हो सकती है मुझे, जब व्याधि ही नहीं है? ना हम बालक हैं, मैं बालक नहीं हूं। न वृद्धो हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं। न युवा, न युवा हूं। एतानि पुद्गले, ये अवस्थाएं शरीर की है। शरीर में बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था पाई जाती है, मुझ में नहीं। मैं तो कई छर शरीर छोड़ आया हूं, वो न मेरे थे और न मेरे साथ आए, सब छूट गए, जहां के तहां छूट गए। ये भी छूटेगा, तो मेरी मृत्यु नहीं है, डर किससे? सर्दी, जुकाम, पीड़ाएं और विभिन्न प्रकार के रोग शरीराश्रित होते हैं, तो होते हैं शरीर में, मुझे उनसे क्या लेना देना है? शरीर की अवस्था को अब मैं अपनी अवस्था नहीं मान सकता। फिर आचार्य कहते हैं, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान,
मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विवतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। मया मोहात, मेरे द्वारा मोह के कारण सर्वेपि पुद्गलाः, सभी पुद्गल, सभी जड़ पदार्थ, मुह बारंबार भुक्तोज्जिता, भोग भोग कर छोड़ दिए गए। तो भोग कर छोड़ी हुई वस्तुओं को उच्छिष्ट कहते, जूठन कहते, खाया और फिर जो बचा फेंक दिया, जूठन हो गया। तो जूठन, जूठनों के समान उन जड़ पदार्थों के प्रति अद्य आज मम विज्ञस्य, मुझ विवेकी की का स्पृहा, क्या आकांक्षा हो सकती है। अब मेरी उन जड़ पदार्थों के प्रति कोई उत्कंठा नहीं रह गई, अब मेरी लगन चेतन से लगी है, अचेतन से लगन टूट गई है। हर वस्तु मैंने भोग ली, कुछ इस जन्म में, कुछ उस जन्म में, कुछ और पहले, अनंत जन्म तो मैं ले चुका हूं, तो यहां ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाकी रह गई हो, जिसका मैंने सेवन न किया हो। मैंने सब कुछ भोग लिया, अब वो सब मेरे लिए जूठन के समान है, उनके प्रति मेरी क्या आकांक्षा हो सकती है। आज मुझे जिनेंद्र भगवान के वचनों से, उनकी कृपा से, जिनवाणी से सच्चाई का भान हुआ है, अब मैं क्या कामना करूं, किसकी कामना करूं। जो भी चाहूंगा वो सब जूठन के समान है, क्या करूं। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हित स्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वान वांछति। आचार्य कहते हैं कि जो अपने बंधे हुए कर्म हैं, वो अपनी फौज बढ़ाना चाहेंगे, और जो अपनी आत्मा है, अपना जो जीव है, वो जीव का भला चाहेगा, और अपना अपना प्रभाव बढ़ जाने पर कौन स्वार्थ की कामना नहीं करता। प्रभाव बढ़ने पर सबके सामने स्वार्थ आ जाता है, तो जब जीव का प्रभाव बढ़ जाता है तो जीव कर्मों की निर्जरा करके, कर्मों का संवर करके आत्म कल्याण कर लेता है, और जब कर्मों का प्रभाव बढ़ जाता है तो जीव उन कर्मों से बंध कर चार गतियों में, 84 लाख योनियों में, 197 कुल करोड़, लाख करोड़, जो कुल कोटियां बताई गई हैं, विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार जीवों के, उन्हीं में भ्रमण करता रहता है, कर्म का जोर रहता है तब, और जब जीव बलवान हो जाता है तब कर्मों की छुट्टी कर देता है। तो एक बात समझने की है कि अपना शत्रु कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर ही छुप करके बैठा हुआ है, परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकव।
उन कर्मों का और नौकर्मों का उपकार छोड़कर, आचार्य कहते हैं कि शरीर का उपकार और अपने जो कर्म है ज्ञानावरण आदि उनकी भलाई छोड़कर सोपकार करो भगवान, अपने जीव के उपकार में तत्पर हो जा। परस्य उपकुर्वन, दृश्यमानस्य परस्य उपकुर्वन लोकवत अज्ञः। जो स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारा दुश्मन है, मोह राग द्वेष जो भी कर्म है वो सब शत्रु के रूप में बैठे हुए हैं, तो दिखने वाले शत्रु का उपकार करने वाला अज्ञ अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है। लोकवत, जैसे कोई सामान्य मनुष्य है, वो यदि किसी शत्रु की मदद कर दे, वो शत्रु उसको ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर शत्रु की मदद करना बुद्धिमानी तो नहीं हो सकती। इसी तरह यदि ये जीव शरीर का और कर्मों का उपकार करेगा और आत्मा का उपकार नहीं करेगा, तो इसको बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि इस मार्ग पर आगे आना हो तो गुरु की शरण तो आवश्यक है। गुरु उपदेशाद अभ्यासात संवित्ते हि स्वपरांतरं जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। स्व और पर में जो अंतर है, जो भेद है, उसको जानना आवश्यक है। कैसे जानेंगे? तो आचार्य कहते हैं गुरु उपदेश, सबसे पहले तो गुरु के उपदेश से जाना। गुरु तुम्हें आगम का रहस्य बताएंगे और उनके उपदेश को सुनकर के तुम समझ जाओगे कि स्व और पर में अंतर है। फिर दूसरा उपाय क्या है? गुरु तो बता देते हैं, लेकिन उसके बाद शिष्य को क्या करना होता है? अभ्यासार्थ, जो गुरु ने बताया उसका अभ्यास करना होता है, बार बार विभिन्न प्रकारों से उसका अभ्यास करना होता है। तो अभ्यास से स्व और पर के अंतर को जानना होता है, पहले गुरु के उपदेश से, फिर अभ्यास से, और अंत में संवित्ते ही निर्विकार संवित्ति, स्व संवित्ति अर्थात परम समाधि में स्थित होकर स्व और पर के अंतर का भान करना होता है। जान लिया, अपने आगम से जान लिया, तर्कों से भी जान लिया, अभ्यास भी किया, लेकिन अब ध्यान में जाकर के स्व और पर के अंतर को जान। अभी प्रवृत्ति में थे, अब निवृत्ति में आकर के देखो स्व और पर में कितना अंतर है। आचार्य कहते हैं कि इन तीनों उपायों से जो स्व और पर के अंतर को जानता है, स निरंतरम मोक्ष सौख्यम जानाति, वो 24 घंटे मोक्ष सुख को पहचानता है, अर्थात उससे परिचित रहता है। कोई भी सुख आ जाए सामने उसके, लेकिन मोक्ष सुख को भुला नहीं सकता। जिसने ये कार्य कर लिया, जिसने शुद्धोपयोग में जाकर के आत्म ध्यान किया है, वो कितना भी स्वादिष्ट भोजन मिले चौके में साधु होकर जा रहे हैं, वो जानते, निरंतर जानते, वो निरंतर ये जानते रहते हैं कि मोक्ष का सुख तो मोक्ष का सुख, ये तो स्वादिष्ट भोजन है, ठीक है, इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख की कोई गणना नहीं है आत्मिक सुख के समक्ष, ये बात है। जैनम जयतु शासनम।